तो हमें चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें एनपीसीआई, तो एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई से जो आपका पैसा है वो सीधे अकाउंट में आता है, जिस अकाउंट में आपका आपका जो है आधार कार्ड लिंक है वहीं आपका पैसा आएगा। अकाउंट से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड से होता है। जहाँ पे आधार कार्ड लिंक है वहाँ पे आप अपना जो है पैसा लगा सकते हैं। जैसे आपका पीएम किसान सम्मान निधि है, वहीं आपका स्कॉलरशिप है, तो सारे जो पैसे हैं वो आपके क्या है आधार कार्ड बेस पे आ रहे हैं। तो आप आधार कार्ड एनपीसीआई घर बैठे कैसे करें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ आता है, जैसे आपका सम्मान निधि है वहीं स्कॉलरशिप में आता है आपका स्टेटस नोट रिसीव, तो आप यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस करेंगे तो आपका इस तरीके का आ रहा है। तो क्या है आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना होगा uidai.gov.in, तो आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा लॉगिन, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है एंड आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको क्या है अपना नंबर जो है डाल देना, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डालना होगा एंड जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका लॉगिन सेंड ओटीपी, तो आपको सेंड ओटीपी कर लेना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया, तो आप मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो आधार कार्ड में रजिस्टर है उसमें आपका ओटीपी चला गया, तो ओटीपी आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका लॉगिन होकर आ गया। तो यहाँ पे आपके आधार डिटेल लॉगिन हो गया है, यहाँ पे देखिए बैंक सीड स्टेटस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा बैंक सीड स्टेटस। तो यहाँ पे आप अपना चेक कर पाएंगे, यहाँ पे सर्वर की वजह से कोई प्रॉब्लम आता है तो अलग बात है, आप वरना चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से चेक नहीं होता है तो आपको क्या है वैसे यहाँ पे दिखा देगा, कभी कभी क्या है सर्वर का प्रॉब्लम होता है, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं हो रहा है तो आपको क्या है यहाँ पर सीधा दोबारा से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दोबारा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा होगा लिंक डिवाइस चेक, तो आपको यहाँ पर क्या आपको चेक जो है करना होगा आपका कहाँ पर लिंक है, तो वहाँ पे आपका दिखा देगा आपका किस बैंक में लिंक है। अगर आपका नहीं लिंक दिखा रहा है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ पर आपको पूछता है बैंक, तो किस बैंक में आपका अकाउंट है, तो बैंक डालनी होगी स्टेट बैंक है, केनरा बैंक है, कोई भी बैंक है, वहीं किस स्टेट में आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको डालना होगा एंड ब्रांच कौन सी है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, जो आपका अकाउंट नंबर आप जिसमें एनपीसीआई करा रहे हो, आपको यहाँ पर अपना नाम जो है डाल देना है और ब्रांच जो आपका बैंक में नाम लिखा हुआ है तो वो आपको डालना होगा एंड यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर लेने एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपको ऑप्शन फॉर रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी, तो यहाँ पे आई विल सीड माय अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। ठीक है, ये आपके पास कोई ऑलरेडी अकाउंट है तो ये आप ऑप्शन खाली छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है, नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे क्या है यहाँ पर भी आपको अपने सिग्नेचर कर देने, सिग्नेचर है आप अंगूठा लगाते हैं, तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है वहाँ पर जमा करना होगा। जमा कर देंगे उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पे जाके अपना जो है चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड लिंक हुआ है या नहीं है, और आप लिंक करवा देंगे ये फॉर्म बैंक में जमा करने के बाद आप यहाँ पे आके चेक करेंगे चेक एनपीसीआई स्टेटस, तो यहाँ पे आपका पास हो जाता है तो आपका एनपीसीआई हो गया है। जब तक आपका पास नहीं होता तो आपका एनपीसीआई नहीं हुआ है, कहीं पर भी है तो आपका एनपीसीआई स्टेटस आप यहाँ पे आधार कार्ड लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।